हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का beingpriyanka.com में। मैं हूँ प्रियंका। तो बस आज एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे आप टी टाइम स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में एज ए स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी पोटैटो फिंगर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ देखिएगा, मैंने एक कप भर के सूजी ली हुई है, कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी वाली। इसको एक बड़े बाउल में हम डाल लेंगे और इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो याद रखिएगा, जितना हमने सूजी लिया हुआ है उतना ही हमको पानी डालना है। तो ये देखिएगा, मैं ये एक कप भर के गरम पानी ले रही हूँ, बहुत गरम पानी ही चाहिए है, जिससे कि जो ये हमारी सूजी है, रवा है, ये अच्छे से फूल जाए। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम एक चम्मच भर के ऑयल, ये देखिएगा। और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिएगा, मिक्स इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस इसको अब ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। चलिए तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 6 आलू लिए हुए हैं, जिनको कि उबाल के छील लिया था। अब या तो आप इसको मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर कद्दूकस कर सकते हैं। तो कद्दूकस में मैं, ये देखिएगा, जो मीडियम साइज़ है वाला जो ग्रेटर है, मैं इससे इसको ग्रेट करूँगी। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, सारे आलू थे जिनको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब हमारी जो सूजी है उसको भी फूले फूले करीब 10 से 15 मिनट हो गया है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये देखिएगा, जो सूजी है वो देखिए कितने अच्छे से फूल चुकी है, काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। बस एक बार इसको हम इस तरीके से चम्मच से काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे या थोड़ा सा दबा दबा के मैश कर लेंगे। और बस अब इसमें हम कुछ सामान डालेंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हमने जो ये ग्रेट किए हुए आलू लिए हुए थे बॉइल्ड, इनको इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिएगा, मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया हुआ था, इसको इसी में ऐड कर देंगे। इससे हमारे जो फिंगर जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनेंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ मैंने लिया हुआ है नमक, तो ये नमक भी मैंने 1 चम्मच भर के लिया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया हुआ है चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिएगा, हमारा जो आटा है वो एकदम से तैयार हो चुका है। बस अब इसको हम देंगे इसकी शेप। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा ना अपने हाथों पे ऑयल लगा लेंगे, उससे क्या होगा कि ये जो है ना हमारे हाथों से चिपकेगा नहीं। तो ये देखिएगा, हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया और बस अब इसमें से बहुत थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और बस इसको सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और बस इसको अब हम थोड़ा इस तरीके से लंबा लंबा शेप दे देंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा फिंगर का जो शेप है वो तैयार हो गया। और बस इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से कि हम बाकी भी बना लेंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि ऐसा मत करिएगा कि सारे आटे के आप एक बार बना लें, क्योंकि ये चिपकता बहुत है। तो 4 से 6 बना लें, फिर उनको सेकते जाएं और साथ में दोबारा से इनको शेप बना बना के उसमें कढ़ाई में डालते जाएं। तो चलिए अब चलते हैं इनको सेकने के प्रोसेस में। तो ये देखिएगा, मैंने करीब करीब 4 से 5 ये बना के रख लिए हुए हैं और अब चलिए इनको सेकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने कढ़ाई ली हुई है जिसमें मैंने रिफाइंड लिया हुआ है। आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, जिस भी ऑयल में आप सेकना पसंद करते हैं उसको ले लीजिए। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, उस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और बस अब इसमें हम आहिस्ता से ये जो हमने फिंगर अपने बना के रखे हुए थे, इनको एक एक करके आराम से छोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हमें थोड़ा सा आराम से इनको इसमें डालना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसमें जितना हमारे आराम से आ जाए, थोड़ी दूरी दूरी पे
उस हिसाब से डाल लेंगे इनको। तो ये देखिएगा मैंने एक बार में चार ही डाले हुए हैं और बस इनको अब हम इस तरीके से उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो ये देखिएगा उलटते पलटते, ये देखिए कुछ हमारे जो हमने थोड़ा सा पहले डाले थे वो सिक गए हैं। मैं इनको अब निकाल लेती हूँ और एक बार आपको कलर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा कितना अच्छा सा सिक के गोल्डन ब्राउन आया हुआ है, ये देखिएगा। बस इसी तरीके से हम बाकी के भी जब सिक जाएंगे तो इनको निकालते जाएंगे। बस ये याद रखिएगा कि इनको ना पहले से बना के प्लेट में बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। ये देखिए ये जो आप शेप देख रहे हैं हमने सीधे सीधे बनाया था लेकिन टेढ़े हो गए, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि एक साथ अगर आप चार पांच भी बना के रख रहे हैं ना प्लेट में तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इसको बैटर को, इसका जो आटा है उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ये मैंने एक साथ के साथ बना के और कढ़ाई में डाला हुआ था तो इसकी शेप देखिए। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये देखिएगा हमारे जो फिंगर्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। बस इसी तरीके से हम सारे फिंगर्स को सेक लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।